आज की सुबह का आगमन हो रहा है ओम भाई को छोड़ने से। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ओम भाई भी वापिस आ चुके हैं सूरत, और मैं उनको लेने के लिए गया था सरथान जगह जगह। कैसा है ओम भाई? बढ़िया है। क्या बढ़िया है ना? नहीं हो पाया क्या आपका जाने का? नहीं हो पाया अभी जाने का, तो अभी थोड़े दिन और वेट करना है। वेट करना है तो कोई बात नहीं, वेट कीजिए, मैं अभी आता हूँ ना आपको लेने के लिए थोड़ी देर में। सो हे व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। और अभी बज रहे हैं 9:30, और मैं मतलब सुबह का बहुत ही जल्दी उठ गया था। 6 बजे का भाई का कॉल आ गया था कि आप आ जाइए मुझे लेने के लिए, ये वो। तो मैं उधर गया था सरथना जगतना का। तो मेरे को देखिए अभी बज रहे हैं 9:30, बहुत ही टाइम चला गया उनको लेने आने जाने में, क्योंकि हाँ ट्रैफिक वाफिक सब कुछ ऐसे बढ़ गया था, क्योंकि 9 बजे का पीक टाइम हो गया था। तो क्या सब लोग ऐसे आते हैं जाते हैं, और उनका क्या सबका ऐसे जॉब वॉब रहता है, तो बहुत ही सारा ट्रैफिक था। पर कोई बात नहीं, अब तो मैं उनको लेके आ गया हूँ, और अब मैं सीधा जा रहा हूँ अपने घर पर। वहां पर नहा धोकर थोड़ा बहुत फ्रेश होकर फिर मैं इनको मिलने के लिए आता हूँ, और आपको भी दिखाता हूँ। चाय वाय पीना तो यहाँ पर ही आना पड़ेगा। तो वो फ्रेम के बाद अभी अभी हम लोग उठे, मस्त एकदम सो गए थे 4-5 बजे, तो हम लोग उठे और यहाँ पर घर पर आके पता चला, देखिए ऐसा कुछ मस्त एकदम बॉक्स वॉक्स आया हुआ है क्या है। और देखिए आज मस्त एकदम दिए बिये भी जला लिए हैं एकदम घर पे। और ये देखिए पता नहीं कुछ बॉक्स वॉक्स आया हुआ है, तो अभी से फटाफट खोलते, चले खोलिए। मस्त एकदम फटाके बटाके भी फूटना शुरू हो गए हैं। पता नहीं दिल्ली में तो बैन कर दिया है फटाके, पर यहाँ पर गुजरात में मस्त एकदम सब फोड़ है। और अभी इसको मस्त एकदम ओपन कर दिया। मिठाई का बॉक्स है क्या? मिठाई का बॉक्स है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देख। हाँ ये पता नहीं जिसने दिया हुआ है ना, उसने उसका भाई का नाम है। देखिए मस्त एकदम फिनिशिंग वाली चीज है, लेदर वाला ही क्या? हाँ बहुत बढ़िया है। खोलिए अब इसको। ये क्या है? ये इसके ऊपर आएगा। हाँ देखिए इसके अंदर ऐसा मस्त काजू बाजू है। इसके अंदर क्या देखते हैं, इसको खोलिए ना। और ये देखिए इसके अंदर मस्त एकदम बादाम बादाम है मस्त। ये पता नहीं रिफ्रेशिंग पान वाली है, स्वीस बर्फी है, पीनट बटर है, मैंगो क्या लिखा हुआ है, क्रंच, मैंगो क्रंच है, ऐसा सब है। और कुछ है कि नहीं है? बस इतना ही है। तो ये देखिए एकदम मस्त एकदम बॉक्स का मैंने आपको लोगों को दिखा कि इस तरीके की दिवालियां होती है सूरत के अंदर। तो हमारे यहाँ तो भाई कुछ ऐसा होता नहीं है, हम तो गांव में से बिलोंग करते हैं, हम तो ऐसे ही दिवाली मना लेते हैं सिंग पाक बना के। पर यहाँ पर शहर में आते ना तो ऐसी बड़ी बड़ी चीजें मस्त एकदम देखने को मिलती है। तो मैंने भी आप लोगों को दिखाया, ऐसा कुछ ब्लॉगिंग करने का मूड तो नहीं था, क्योंकि पूरा दिन सोने में ही चला गया। सुबह सुबह हम लोग ओम भाई को जैसे लेने गए थे उसके बाद वाला ये फ्रेम है, तो अभी ये बॉक्स आया ना, तो मेरे को ऐसा हुआ कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो कल तो पता नहीं नेट का कुछ इश्यू था, तो यहाँ से मेरा व्लॉग अपलोड नहीं हो पाया था, पर आज मस्त एकदम नेट आ रहा है। तो आज मस्त एकदम देखिए अभी मैं ऐसे व्लॉग व्लॉग अपलोड करने का ट्राई करता हूँ, तो देखिए क्या होता है क्या नहीं। और अगर आपने ये वाला व्लॉग नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन के अंदर मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उधर जाके उसके ऊपर दबा के आप मस्त एकदम ये वाला व्लॉग भी देख सकते हो। तो चलिए पहले मस्त एकदम व्लॉग अपलोड करते हैं, क्योंकि फिर पता ही आप लोगों को HD प्रोसेसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा देर लगती है, तो वो दिक्कत नहीं करनी है इस बार। तो फटाफट मस्त व्लॉग डालते हैं, 8 बजे को डालना पड़ेगा। अभी बज रहे हैं 6:45, तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो अभी देखिए इसके अंदर से ये जो पान वाली जो बर्फी है, पता नहीं क्या है, स्वीट है कुछ, उसको अपन ऐसे ट्राई करते हैं कैसा लगता है, मैं आपको बताता हूँ। कैला स्वीट के मतलब जो कैला स्वीट्स है ना, उन लोगों ने ये पूरा बनाया हुआ है गिफ्ट टाइम पर, और फिर मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। बहुत ही बढ़िया है, अभी मैं क्या ही बताऊं, ये तो किधर मिलेगा भी नहीं आप लोगों को। पर अगर आप लोग मतलब कैला स्वीट्स पहचानते हो तो आप लोग वहां पर जाके ऐसे ट्राई कर सकते हो। और एक स्वीस बर्फी भी है, बहुत सारी है, पीनट बर्फी है, तो ऐसे ही मस्त एकदम बर्फी बर्फी है। तो अगर आप लोगों को किधर भी कैला स्वीट दिखे तो आप उधर जाके एक बार ट्राई कर सकते हो।
के घूघरे भी तैयार हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया घूघरे है। ये कैलाश स्वीट तो सिर्फ क्या ऐसे हाइप वाली चीज होती है, पर घर के घूघरे खाओगे ना, जब तक घर के घूघरे ना खाओ ना तब तक ऐसा दिवाली खत्म हुई ऐसा लगता ही नहीं है। देखो अभी मस्त एकदम मैं घूघरे उघरे भी खा रहा हूँ, मैं अभी अभी उठा हूँ तो कैसा नाश्ता वास्ता फूल एकदम चालू है, तो इस तरीके का सब चल रहा है। अभी दिवाली की सारी तैयारी अभी हो चुकी है। दोस्तों अभी अभी मैंने जो व्लॉग रखा उसके अंदर बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आ रहे थे, तो इसी के अंदर कुछ ऐसा सीन था कि हमें चाहिए था डाइकिन का 5-स्टार इन्वर्टर वाला एसी 1 टन का, तो उसका प्राइस यही कहीं 39,500 के आसपास है क्रोमा में और सब जगह पे, मतलब मैंने चेक करवाया था प्राइस। इधर लोकल कोई शॉप थी मधुरम प्लाजा और वो सब, उस सब के अंदर मैंने चेक करवाया था। विजय सेल्स के अंदर तो स्टॉक ही नहीं है, लोकल दुकानों में भी डाइकिन का स्टॉक नहीं है, क्रोमा वाले दे रहे हैं सिर्फ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करते हैं वो वाली इन्फॉर्मेशन भी जो मैंने वो एसी वाले ब्लॉग के अंदर बताया था। तो इस तरीके का सारा मामला है, पर फिटिंग चार्जेस बहुत ही ज्यादा है क्रोमा के और विजय सेल्स के कंपैरेटिवली यहाँ पर जो लोकल शॉप है उसके सूरत के अंदर। तो हाँ, मतलब आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके का क्या प्राइसेस चल रहा है, पर यही कहीं 39,500 के आसपास का ही हो तो ही लेना, वरना मत लेना, मेरा तो यही सजेशन है। तो और अभी हम लोग घूम रहे हैं सिटी साइड एकदम मस्त, मैं और ओम भाई दोनों एकदम बाहर आ गए। देखिए ये रहे ओम भाई, तो अभी थोड़ा बहुत घूमेंगे, यहाँ पर कुछ होगा तो मैं आपको दिखाने का ट्राई करूंगा, वरना तो फिर घर पे ही जाना। ये तो क्या वो एक बॉक्स आया था तो उसके लिए मैंने ये वाला व्लॉग शूट किया, वरना आज मेरा कोई भी प्लानिंग नहीं था व्लॉग शूट करने का, क्योंकि हाँ मैं बहुत ही मतलब लेट वेट उठा था, तो फिर लेट उठते हैं तो फिर कुछ इतना मतलब क्या है मतलब ऐसे करता नहीं है मतलब दिमाग काम, तो कि भाई व्लॉग वॉक बनाए ऐसा कुछ। पर हाँ वो बॉक्स था तो मैंने सोचा कि बहुत ही बढ़िया वाला बॉक्स है, तो चलिए इन लोगों को भी दिखाते हैं। तो देखिए अभी मस्त एकदम घूम रहा है आज दोस्तों 11 से, और मतलब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बहुत ही सारी भीड़ जमा हो चुकी है, मतलब पूरा के पूरे सारे के सारे लोगों के ऐसे वैकेशन सब ऐसे हो गया है, तो सब लोग ऐसे रोड पर आ गए, सब मस्त एकदम बढ़िया शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं और मस्त एकदम घूम रहे हैं। और अभी अभी हम लोग आए हैं साहिल भाई को मिलने के लिए, वो पता नहीं किधर गए, इधर किधर ही थे, वो मेरे को बोला कि 5 मिनट में मैं आता हूँ, तो मैं उनको ऐसे मिलने के लिए आया हूँ। तो बस यही सब चल रहा है अभी, तो ये देखिए रहे ओम भाई भी अपने साथ ही, और साहिल भाई किधर गए यार, कुछ अंदर रुको उनको बुलाते हैं। देखिए साहिल भाई एकदम मस्त आ गए अपने साथ, क्या साहिल भाई और अर्पण भाई भी आ गए हैं। तो अभी किधर जाना है आपको पता अब? क्यों आप लेके आए हो इधर? लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बोल दीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, वो वाला वीडियो वाला ठीक है, चले मिलते हैं ना साहिल भाई। तो देखिए अभी तो ऐसे ही सब एकदम मस्त घूमने का कार्यक्रम चल रहा है, ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, पर अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं, कुछ तो करेंगे ही। अभी साहिल भाई और अर्पण भाई दोनों आ चुके हैं, ओम भाई भी मस्त एकदम साथ में, तो कुछ ना कुछ तो प्लान बन ही जाएगा ऐसा मेरे को लग तो रहा है। दोस्तों अभी मस्त एकदम घर पर पहुंच गए हैं, किधर भी घूमने जाने का तो प्लान नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया आज वैकेशन हो गया है सभी लोगों का, तो बहुत ही रश है सिटी साइड भी और कतारगाम में भी, मतलब जी किसी भी एरिया के अंदर जाए बहुत ही ज्यादा रश है, क्योंकि सब लोग शॉपिंग वॉपिंग का सब लोग मतलब ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि दिवाली एकदम नजदीक आ चुकी है और आज है 11। तो नहीं मैंने बनाया ही नहीं प्लान, मैंने बोला कि नहीं भाई किधर नहीं जाना है, थोड़ी देर बैठ के फिर ऐसे मतलब सब अपने अपने घर पे चले जाते हैं, कुछ करना नहीं है ऐसा, क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक में फंसने से कोई मतलब नहीं है, घूम तो कम ही पाओगे ट्रैफिक में ही फंसे रहोगे, तो कोई भी प्लान नहीं हो पाया। और ये वाले ब्लॉग को एंड करने का समय आ चुका है, सो गाइस डू व्हाट यू लव लव व्हाट यू डू, टिल देन स्टे ट्यून्ड, ऐसे हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।